कथानुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए एक बार शिलाद ऋषि को भय सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। वे एक शिशु को गोद लेना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि जिस शिशु को वे गोद ले वह आध्यात्मिक हो तथा उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद हो। अपनी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप प्रारंभ किया। कई वर्षों तक वे तप में लीन रहे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शिलाद ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव शिलाद ऋषि को उनका मनचाहा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद शिलाद ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी गोद में एक शिशु था। उस शिशु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। शिलाद ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। वे उससे बहुत स्नेह करते थे, किंतु नियति ने नंदी के लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो संत शिलाद ऋषि के आश्रम में पधारे। शिलाद ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की। प्रस्थान करते समय शिलाद ऋषि और नंदी ने दोनों संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने शिलाद ऋषि को दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद दिया, किंतु जब नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। शिलाद ऋषि ने यह तुरंत भांप लिया। जब वे मित्र और वरुण ऋषि को आश्रम के बाहर तक छोड़ने गए तो उनसे पूछ लिया कि उन्होंने नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब दोनों संतों ने उन्हें बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंताग्रस्त हो गए। नंदी ने जब पिता को चिंतित देखा तो उसका कारण पूछा। शिलाद ऋषि ने नंदी को पूरी सच्चाई बता दी। पिता की बात सुन नंदी हंसने लगे। आश्चर्यचकित पिता ने जब कारण पूछा तो नंदी बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। जिन पर शिवजी की कृपा होती है उन्हें कोई संकट छू नहीं सकता। यह कहकर वे पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर भगवान शिव की तपस्या करने वन चले गए और तप करने लगे। नंदी का तप इतना कठोर, ध्यान इतना प्रबल और आस्था इतनी मजबूत थी कि भगवान शिव को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। शिव ने प्रकट होकर नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी के पूरी उम्र उनका सानिध्य मांग लिया। तब शिव ने उन्हें बैल का चेहरा प्रदान कर अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने गणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। शिव के आशीर्वाद से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त होकर अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। माना जाता है कि तब से शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी की भी स्थापना की जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। उनका हर क्षण भगवान को समर्पित है। वे मनुष्य को शिक्षा देते हैं कि वे अपना हर क्षण परमात्मा की सेवा में अर्पित करें, ताकि वे भगवान की कृपा के पात्र बन जाएं।